जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी का पुणे का प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले हमने दो प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका पुणे का है। या कब का है? यह आपका 1 नवंबर 2020 का है। इसमें कुल 50 प्रश्न दिए जाते हैं जिनको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहला सेक्शन जो कि आपका जनरल नॉलेज का है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी। जो आपका इंडिया गेट है वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो जो आपका इंडिया गेट है वो कहाँ पे है? वो आपका दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया गेट को पहले इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहते थे। इसमें है क्या मैं आपको बताता हूँ। इसको जब बनाया गया था तो 1914 से लेकर 1921 के बीच में जितने भी आपके ब्रिटिश इंडिया के सैनिक शहीद हुए थे तो उनके जो नाम है वो इस पे दर्ज किए गए हैं। और वो कितने थे? लमसम वो थे आपके 70,000 शहीद थे, शहीद सैनिक थे जिनके नाम इस पे दर्ज है। इसका आंसर आपका डी, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। आइए हमें कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो वो आपका लोकेटेड है देहरादून में। ठीक है, इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? इसको स्टेबलाइज किया गया था 10 दिसंबर 1932 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। और कुछ बताऊं तो ये कितना बड़ा है, ये कितना फैला हुआ है? ये 1400 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ए, आईएमए आपका देहरादून में है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? मतलब तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं जो आपका सरदार सरोवर डैम है वो कौन सी नदी पर है? तो वो है आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, कहाँ पे है ये? लोकेटेड है आपका केवड़िया गांव जो अभी वो गुजरात में है उसके नजदीक में। तो इसका आंसर है आपका डी, सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा नदी पर है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन कहना चाह रहा है इनमें से कौन सी पर्वत चोटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मतलब दूसरी बतानी है आपको। तो दूसरी कौन सी है? वो है आपकी K2। ठीक है, K2 आपकी दूसरी है। अच्छा, कितनी है इसकी हाइट, कितनी है? मैं आपको बता देता हूँ, इसकी हाइट लगभग 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, तो इसका आंसर आपका डी, सेकेंड हाइएस्ट आपका K2 है। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मतलब किसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी? वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, कब करी थी? इन द 322 BCE में इसकी स्थापना करी गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद फिर उनका बेटा बिंदुसार बना था शासक, उसके बाद फिर बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोका, द ग्रेट अशोका आपने सुना होगा, तो वो थे। तो स्थापना किसने करी थी? करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका आंसर आपका ए, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, थर डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। थर डेजर्ट आपका कौन सी कंट्री में है? तो नाम से पता है, हमें तो पता ही होना चाहिए थर डेजर्ट कहाँ पे है। थर रेगिस्तान आपका इंडिया में है, इंडिया की राजस्थान में है। ठीक है, कुछ अगर मैं बताना चाहूँ तो कितना एरिया है, लगभग 2 लाख किलोमीटर² का एरिया ही कवर करता है। ठीक है, और बताऊँ आपको तो अगर पूरे वर्ल्ड में माना जाए तो 17th largest डेजर्ट है ये पूरे वर्ल्ड में। जो आपका थार डेजर्ट है ये आपका 17th largest डेजर्ट है। ठीक, और अगर मैं हॉट की बात करूं तो हॉट के केस में ये आता है 9th नंबर पे, मतलब 9th largest हॉट डेजर्ट है। ठीक है, इसका आंसर आपका डी, थार डेजर्ट आपका इंडिया में है। इंडिया के कौन से पार्ट में? इंडिया का थोड़ा सा पार्ट राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात को ये कवर करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फादर ऑफ किंग अशोका। अभी इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करा था, उसमें क्या था? उसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका भी मौर्य साम्राज्य के थे। तो इनके फादर का नाम क्या है, इनके मतलब इनके पिता का नाम क्या था? तो किंग अशोका के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, उनके बाद शासक बने थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उनके बेटे किंग अशोका बने थे। किंग अशोका जिन्होंने कलिंगा वॉर जीती थी जिससे बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। इसका आंसर आपका सी, बिंदुसार किंग अशोका के फादर थे। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। किस देश को हजारों झील की भूमि कहा जाता है? तो वो है आपकी फिनलैंड। अच्छा, इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेक्स है। कितनी लेक्स है यहाँ पे? लगभग 1,88,000 लेक्स है यहाँ पे देखी जाए तो इस कंट्री में। तो इसलिए इसको हम लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोलते हैं। इसका आंसर आपका सी, फिनलैंड इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। दिल्ली किस नदी के अंदर बसा हुआ है? दिल्ली बसा हुआ है आपका
यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी कहाँ से बहती है? ये आपकी यमुनोत्री से बहते हुए आती है। ठीक, कि यमुना सिर्फ दिल्ली दिल्ली में नहीं, यमुना दिल्ली के अलावा आपके यूपी में आगरा वगैरह से भी होते हुए आगे जाती है। इसका आंसर आपका ए, यमुना इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनमें से किसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो अगर आप सीरीज फॉलो करते आ रहे हो मेरी, तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन। तो ये कौन है आपके? ये है आपके सरदार पटेल। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म आपका 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड में हुआ था, जो कि आपका गुजरात में है, और ये पेशे से क्या थे? बैरिस्टर थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी, सरदार पटेल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ए, मुंबई आपकी महाराष्ट्र की राजधानी है। अच्छा, इनमें से और ऑप्शन देख लेते हैं हम। लखनऊ किसकी है? लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की है। दिल्ली आपका एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक, तो इसका आंसर आपका ए, मुंबई। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। मतलब जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जिसको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी बोलते हो, उनको कौन चुनता है? तो उनको कैसे चुना जाता है? उनको डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स, उनको डायरेक्टली पीपल सेलेक्ट करते हैं। मतलब हम वोट डालते हैं, हम वोट डालते हैं, हमारे एरिया के जो भी हमारे सांसद चुने जाते हैं उनको, हम उनके लिए वोट डालते हैं। टोटल अभी करंट में कितने एमपीज हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास करंट में 545 स्ट्रेंथ है आपकी लोकसभा की। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं पीपल्स। अभी बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। मतलब इंडिया में पेट्रोलियम की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे है? वो है आपकी जामनगर में। जामनगर कहाँ पड़ता है? जामनगर आपका गुजरात में पड़ता है। ये किसके अंडर में आता है? जो आपका जामनगर का ऑयल रिफाइनरी है, ये रिलायंस जामनगर रिफाइनरी नाम से, मतलब ये रिलायंस की ही एक कंपनी है। और ये कितना करता है, इसका अगर मैं बताऊं आपको एग्जैक्ट बोलूं, तो 1.24 मिलियन बैरल्स ये एक दिन में इसकी कैपेसिटी है। मतलब एक दिन में ये इतना प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सी, जामनगर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक, जिसको आप एफवी नाम से जानते हो, उसके डेवलपर कौन थे? उसके डेवलपर है आपके मार्क जुकरबर्ग, ये उसके चेयरमैन और करंट सीईओ भी हैं। इन्होंने इसको कब लॉन्च किया था? इन्होंने इसको 4 फरवरी 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया था, और उसके बाद से इनकी इनकम में भी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, और प्रेजेंट में ये पूरे वर्ल्ड के 5th richest पर्सन है। मार्क जुकरबर्ग वर्ल्ड के 5th richest पर्सन है। ठीक, इसका आंसर है आपका सी, मार्क जुकरबर्ग ने सोशल वेबसाइट फेसबुक को डेवलप किया था। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड है। कितना है? मैं आपको इसका एग्जैक्ट बताता हूं मैं, 8,36,330 स्क्वायर माइल्स तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर है बी, ग्रीनलैंड आपका इसका आंसर है। यहाँ आपका पहला पार्ट जनरल नॉलेज का खत्म होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा पार्ट, जो कि आपका जनरल साइंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब 16 क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो करते आ रहे हो, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो समझो क्वेश्चन आने के ज्यादा रहते हैं। तो कौन सी ग्लैंड सबसे बड़ी होती है ह्यूमन बॉडी में? वो होती है आपकी लीवर। अब ये अगर थोड़ा बताऊं उस बारे में, तो ये क्या करता है? ये काम और भी करता है, ये करता है आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, मतलब डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसका आंसर आपका बी, लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी लीवर होती है। ये बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा व्हेन अ मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल। अगर एक चलती ट्रेन अचानक से रुक जाती है, तो आदमी गिर जाता है। किस तरह गिरेगा आदमी? अच्छा, आदमी कैसे गिरेगा? मान लो आप एक बस में खड़े हो या ट्रेन में खड़े हो, और ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चल रही है, चाहे ट्रेन रुकती है, तो आप किस तरफ गिरते हो? आप गिरते हो आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट ऐसा होता क्यों है? तो इसको इसका रीजन, एक खास रीजन है, आपने न्यूटन का पहला नियम पढ़ा होगा। जब तक कि एक बॉडी, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है या मोशन पे है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक वो अपनी मोशन में चेंज नहीं लाएगा। ठीक है, इसी में एक और आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको आप बोलते हो हिंदी में जड़त्व का नियम। ये क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के अंतर्गत अगर आपकी बॉडी, जैसे कि आप खड़े हैं ट्रेन पे हैं, ट्रेन चल रही है, तो आपके जो लेग्स हैं वो भी मूविंग डायरेक्शन में, बट अचानक से क्या होता है कि ट्रेन तो रुक गई, बट आपके लेग्स नहीं रुक पाते हैं, तो इस कारण आप थोड़ा सा आगे तरफ गिरते हो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, फॉरवर्ड आप आगे जाओगे। इसका रीजन क्या है, मैंने आपको समझा दिया है, इसका रीजन यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया।
भाई पढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि हमारा रैबीज इज कॉज्ड बाय। रैबीज किसके कारण होता है? तो रैबीज होता है आपके डॉग बाइट के कारण। जब कुत्ता काट लेता है तो उसको रैबीज बोलते हैं, और रैबीज हो जाता है फिर आपको टीके लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी, डॉग बाइट इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन जो कि है हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी का नेचुरल सोर्स क्या होता है? ऐसा प्राकृतिक सोर्स तो कभी खत्म नहीं होगा, या जितना मन चले उतना बहुत है आपके पास, तो वो है आपका सन। सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होने वाली है, और आज के टाइम पे इसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैसे? सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, क्या करते हैं उसमें सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ये भी एनर्जी का फॉर्म है। तो इसका आंसर आपका डी, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच मिरर इज यूज इन हेडलाइट्स ऑफ बाइक। बाइक की जो हेडलाइट होती है वहां पे हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर क्यों, अवतल दर्पण क्यों? क्योंकि ये लार्जर एरिया को कवर करता है, इसलिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सी, कॉनकेव मिरर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है जरूरत पड़ने पर? तो वो होता है आपका ए बी पॉजिटिव। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा वो किसी भी अदर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, चाहे वो ए प्लस से, चाहे ओ से, चाहे बी से, चाहे ए बी प्लस से ही वो ब्लड ले सकता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यूनिवर्सल रिसिपिएंट आपका ए बी प्लस है। अच्छा, एक होता है यूनिवर्सल डोनर, वो कौन होता है? वो होता है आपका ओ प्लस। ओ प्लस किसी को भी अपना खून दे सकता है। इसका आंसर आपका सी, ए बी प्लस किसी से भी ले सकता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन जो कि हमारा सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। सिस्मोग्राफ जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या मेजर करता है? सिस्मोग्राफ आपका मेजर करता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब कितनी तेजी से अर्थक्वेक आया, रिक्टर स्केल आपको शो करता है, तो सिस्मोग्राफ आपको ये बताता है। ठीक, अगर बाकी बताऊं, ब्लड प्रेशर भी तो दे रखा ऑप्शन में, तो ब्लड प्रेशर किससे होता है? तो जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको आप मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हो इंस्ट्रूमेंट वो है आपका स्फाइगोमैनोमीटर। मतलब स्पेलिंग में लिख देता हूं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्फाइगोमैनोमीटर, इससे आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो। फिर क्या ऑप्शन? हार्ट बीट। हार्ट बीट के लिए आप क्या लगाते हो? हार्ट बीट के लिए आपके पास क्या होता है? स्टेटोस्कोप, जो डॉक्टर के पास होता है। ठीक, और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं लास्ट है आपका फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के लिए आप क्या लगाते हो? करंट के लिए आपके पास होता है एमीटर। एमीटर या गैल्वेनोमीटर, आप इससे करंट का फ्लो भी पता कर सकते हो। तो मैंने आपको सारे बता दिए ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर क्या था, सिस्मोग्राफ क्या है? अर्थक्वेक के लिए। तो इसका आंसर आपका बी, अर्थक्वेक इसका आंसर है। तो आपका 23वां क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की एसआई यूनिट क्या है? तो पावर क्या होता है? पावर मतलब होता है कि आप कितना काम कर रहे हो और कितनी दर से कर रहे हो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन पे टाइम, मतलब आप किस दर से कार्य कर रहे हैं, वो होता है पावर। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। वाट बोल लो, किलो वाट बोल लो, वो पावर की एसआई यूनिट होती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ए, पावर की एसआई यूनिट आपकी होती है वाट। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन जो कि हमारा इन आवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट। हमारी बॉडी में जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या जोड़ते हैं, मतलब किसके किसको जोड़ने का काम आता है? जो लिगामेंट्स होता है वो आपकी बोन को बोन को जोड़ते हैं, मतलब आपकी एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे आपकी अगर आपने नी ज्वाइंट देखा हो या आपके शोल्डर ज्वाइंट होता है, वहां पे हड्डी पे हड्डी जुड़ी होती है, तो वो आपके जो लिक्विड यूज होता है, जो फ्लूइड यूज होता है, वो आपका लिगामेंट होता है। तो इसका आंसर आपका डी, बोन टू बोन जोड़ने के लिए लिगामेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन जो कि हमारा द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कोल्ड। अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को बनाते हो तो क्या बनता है? वो बनता है आपके हाइड्रोकार्बन। अगर आपको याद हो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। इसमें क्या है? इसमें एक सी है और चार एच होते हैं। किसका कॉम्बिनेशन है ये? कार्बन और हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन। एक सिंपल एग्जाम्पल है। इसका आंसर आपका सी, कार्बन एंड हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो ये बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन जो कि हमारा द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज। सोडियम आपका एक मेटल है, इसका केमिकल सिंबल क्या है? तो केमिकल सिंबल क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि हर बार केमिकल सिंबल इसके पहले या दूसरे नाम से बनता है, ऐसा नहीं होता। हमेशा इसका एक लैटिन नेम भी होता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एक लैटिन नेम है। वो लैटिन नेम क्या है सोडियम का? वो होता है नेट्रियम। नेट्रियम सोडियम का एक लैटिन नेम है, और इसी के बेस पे इसके जो स्टार्टिंग के दो है इससे इसका केमिकल सिंबल बनता है। तो क्या है इसका केमिकल सिंबल? एनए। एनए इसका केमिकल सिंबल है। आप एसओ नहीं कर दीजिएगा, एसओ किसी और चीज का है, क्योंकि इसका नेटिव नेम लैटिन नेम नेट्रियम है, इसलिए एनए। इसका आंसर आपका सी, एनए इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। जबकि बॉक्साइट होता है वो कौन से धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट है आपके, यह आपका एल्यूमिनियम का ओर है। तो इसका आंसर आपका बी, एल्यूमिनियम इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो। इसका आंसर क्या आपका? इसका आंसर होता है बी, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है।
ऐसे ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, इसको हम किंग ऑफ द एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन का, जो कि हमारा व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर हार्ट अटैक। इनमें से कौन सा रीजन है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इस केस में, होता है क्या इस केस में, जो आपका फैट होता है, जो आपकी चर्बी होती है, वो आपके ब्लड वेसल्स में मतलब नसों वगैरह में जमा हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा धीरे पड़ जाता है, तो इससे आप कह सकते हो कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, आपका कोलेस्ट्रॉल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच सब्सटेंस इज यूज इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है आपका मरकरी। मरकरी ही क्यों, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, मरकरी इसका आंसर होता है। यहाँ आपका सेक्शन बी जनरल साइंस खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहां से जुड़ सकते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहां पर डाल दी जाती है, ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक ही मिस ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजहों से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें, जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है, ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन सी, जो कि आपका मैथमेटिक्स। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हूज साइड्स आर 5 मीटर एंड 4 मीटर। मतलब क्या कहता है, साइड्स दे रखी है, मतलब लेंथ हो गई 5 मीटर की रेक्टेंगल शेप है, ब्रेथ होगी 4 मीटर की, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखते हैं क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है, लेंथ है 5, ब्रेथ है 4, तो ये हो गया 2 इंटू में 9, 9 टू जा होता है 18 मीटर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया 18 मीटर, तो बी इसका आंसर हो गया। सिंपल फॉर्मूला तो लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो, डाई क्या होता है पास हो, जब खेलते हो लूडो वगैरह खेलते टाइम पे, उसको फेंकने पर पॉसिबल आउटकम क्या बन सकते हैं, तो क्या क्या उसमें नंबर क्या क्या होते हैं, उसमें नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पॉसिबल आउटकम क्या हुआ, पॉसिबल आउटकम हो गया आपके 6, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मतलब आपको दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 64 की पावर है 2/3 और फिर उसकी भी पावर है आपकी ये 1/2। तो एक रास्ता है, मैं क्या करता हूं, अगर पावर पे पावर कभी होती है तो उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो मतलब मैं क्या करूं, पावर की पावर को पहले मल्टीप्लाई करूं, 2 से 2 कट गया, तो ये बचेगा आपका 64 की पावर 1/3। तो 64 किसकी पावर होता है, ये होता है 4 की पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4 की पावर 1, मतलब 4 इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। अभी बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इफ एन ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 5, एक ऑड नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो उसका एक डिजिट हो सकता है। देखिए उसने क्या बोला, नंबर एक ऑड नंबर है, किससे डिविजिबल है, 5 से, तो 5 से जो नंबर डिविजिबल होता है उसका जो नंबर होता है, यूनिट नंबर होता है, तो 0 होता है तो 5 होता है, और ऑड नंबर क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ 5, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 5, इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर है आपका ए। आई बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा अ मैन लॉसेस RS40 बाय सेलिंग अ वॉच फॉर RS660, फाइंड हिज लॉस परसेंट। क्वेश्चन ये कहता है, एक बंदा है उसको लॉस हुआ है 40 रुपए का जब वो अपनी घड़ी को 660 रुपए में बेचता है। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया उसका नुकसान प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, पहले लिखो आपको क्या क्या दिया गया है, लॉस दिया है 40 रुपए,
एसपी दिया है आपको ₹660, सीपी नहीं पता, तो काम करते सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कैसे निकालेंगे, लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस है 40, सीपी पता नहीं, एसपी है 660, तो सीपी हो जाएगा आपका 700। तो सीपी कितना हो गया 700। क्या पूछा है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका लॉस बट्टे सीपी इंटू पे 100। तो लॉस है आपका 40, सीपी है आपका 700 इंटू पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, आंसर बचा 40/7। सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 5.71%। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा चेंज 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन। 0.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे, पहले लिखो 0.25, फ्रैक्शन बनाना है तो पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट आएंगे तो बट्टे पे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट पर दो नंबर है, कटिंग करते हैं 1/4। तो इसका आंसर क्या है, सी इसका आंसर हो गया 1/4। आगे बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब क्वेश्चन कहता है आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो कि आपकी 245 और 1029 को विभाजित करता है, और हर बार वो 5 को रिमाइंडर कर देगा। तो क्या करते हैं, इसको करने के पहले हम एक आसान काम करते हैं, हम दोनों नंबर में से पहले 5 को माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं 245 में से 5 को माइनस करूंगा वो बनेगा आपका 240, फिर 1029 में से करूंगा तो आपका आंसर आएगा 1024। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी पड़ता है बट वो आसान होता है, उससे एक बार में काम हो जाता है। तो क्या करूंगा, ये आपका 4 × 960 आएगा। ठीक, आगे सॉल्व करता हूँ तो माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 64, यहाँ पे लिखूंगा मैं 240, 3 बार में ये आएगा आपका 192, माइनस करता हूं तो माइनस करने में मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 48, फिर यहाँ पे 64, 48 बन जा 48, ये आपका बचेगा कितना, ये आपका बचेगा 16, यहाँ लिखूंगा 48, तो 68 की टेबल में 48 आता है 3 बार में, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 16, तो इसका आंसर क्या है 16 इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक, 16 से अगर आप डिवाइड करते हैं दो नंबर को तो जो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 30, आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सिंपल है, तीनों नंबर को एक साथ आप लिख लीजिए, अब इनका एक एक करके एलसीएम निकालिए, किसकी टेबल में आता है, तो इसमें करना क्या है, 2 की टेबल में 12 आता है 6 बार में, 24 आएगा 12 बार में, 30 आएगा 15 बार में, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से करेंगे यहाँ 3 बार में, ये आएगा आपका 6 बार में, ये 15 का 15, अब 3 से करते हैं, 3 1 बार में या 2 बार में या 5 बार में, तो क्या बचा आपका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब मैं आपको सिंपल लिख के दिखा देता हूँ, आसान हो जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 120। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट फॉर आर एस 600 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या कहता है, आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया, वो है आपका ₹600 का, रेट दे दिया उसने 5% का एनम के हिसाब से, टाइम दिया है उसने 4 मंथ, तो उसको मैं 4/12 ईयर बोलूंगा, आसान रहेगा मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्योंकि हम हर बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन पे 100। पी की वैल्यू 600 है, आर की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू 4/12 है, 100 तो यहाँ पहले से होता है, इंटू में 12 और डाल दू, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटोगे 2 बार में, तो 5 दूनी 10 इसका आंसर आया। तो इसका आंसर क्या आया, सी ₹10 इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अभी बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा राम हैड आर एस 45,000 आफ्टर गिविंग 2/5 ऑफ हिज मनी टू हिज एल्डर सन एंड 1/3 ऑफ द बैलेंस मनी टू हिज यंगेस्ट सन, हाउ मच मनी रिमेन्ड विद राम। राम ने क्या किया, राम के पास 45,000 रुपए थे, उसने क्या करा, उसने अपने बड़े बेटे को 2/5 दे दिया, जो भी 2/5 होगा वो अपने बड़े बेटे को दे दिया। अब जो अमाउंट बच गया उसमें से 1/3 1/3 उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया। अब मेरे से पूछा गया उसके पास इतने के बाद क्या बचता है, तो कैसे करेंगे, पहले मैं काम करता हूँ, जो 2/5 उसने अपने बड़े बेटे को दिया, पहले मैं वो निकालता हूँ कि 2/5 ऑफ 45,000 क्या होगा, निकाल के देखते हैं, वो आपका आएगा 5 के 9 बार में 9,000, मतलब ये आएगा आपका 18,000, मतलब उसने अपने बड़े बेटे को 18,000 रुपये दे दिए। अब उसके पास कितने रुपये बचे, अब उसमें जो बैलेंस बचा वो बचा 45,000 माइनस में 18,000,
क्या मिलेगा आपको, माइनस करने पर आपको मिलेगा 27,000 उसके पास बचे हैं। अब उसने क्या करा, अब उसने अपने यंगर सन को इसका 1/3 दे दिया। तो 1/3 ऑफ, अगर मैं 27,000 निकालूंगा तो वो आएगा आपका 3×9=9,000। तो मतलब उसने क्या बोला कि 9,000 रुपये उसने अपने बड़े छोटे बेटे को दे दिया। अब उसके पास कितने रुपये बचेगा, उसका जो फाइनल बैलेंस बचेगा वो बचेगा आपके पास, उसके पास कितने थे 27,000, 27 में से उसने 9,000 अपने छोटे बेटे को दे दिया, तो उस पर जो बच्चा वो बच्चा आपका 18,000 रुपीज उस पर अभी भी बचा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका बी, 18,000 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 41वां क्वेश्चन, जो कि हमारा बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 8788 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब मैं 8788 को किस नंबर से डिवाइड करूं ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसको अगर मुझे परफेक्ट क्यूब चेक करना है तो मैं क्या करता हूं, मैं सीधा इसका फैक्टर निकाल देता हूं, 8788 का फैक्टर, देखते हैं क्या आएगा। 2 के टेबल में करोगे तो ये आएगा आपका 4394, फिर 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, अभी 2 से तो होगा नहीं, अभी 13 से होगा, इतनी बार में ही होगा आपका 169 बार में, फिर ये कितनी बार में जाएगा, ये 13 का स्क्वायर ही होता है, तो 13 से और ये 13 बार में। तो अगर देखा जाए कि किसका पेयर बना किसका पेयर नहीं बना, तो 13 का तो पेयर बन गया मगर ये 2×2 4 का पेयर नहीं बना, तो इसको मतलब किसे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे इस नंबर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका सी, 4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 42वां क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा सॉल्व 102 की पावर 2, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको 102 को 102 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे आपको एक फॉर्मुला यूज करना है, वो क्या होता है, वो होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या कहता है, वो कहता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ 102 लिखा हुआ है, a प्लस बी तो बन ही नहीं रहा, तो उसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस में 2 की पावर 2। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर माने 100 का स्क्वायर, वो होता है आपका 10,000 प्लस में 2 × 100 × 2 प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 10,000 प्लस में 400 प्लस में 4। तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 10,404 इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 43वां क्वेश्चन, जो कि हमारा फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 5 मीटर। मतलब क्या कहता है, आपको LVH दे रखा है, L×B×H दे रखा है, कितना है, वो है आपका 10×10×5 का। क्या पूछा है, आपको मैक्सिमम लेंथ बतानी है एक रोड की जो उस रूम में आ सकता है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मुला होता है, हम एक डायगोनल निकालेंगे, वहां पे डायगोनल के रूप में बनेगा। तो डायगोनल जो फॉर्मुला होता है, यहाँ विकर्ण का जो फॉर्मुला होता है इस केस में, वो होता है आपका अंडर रूट में स्क्वायर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में एच का स्क्वायर। चलो अप्लाई करते हैं, तो एल मतलब 10 का स्क्वायर, बी मतलब 10 का स्क्वायर और एच मतलब 5 का स्क्वायर। तो करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 100 जमा 100 जमा 25, ये हुआ रूट का 225 किसका रूट है, ये है आपका 15 का रूट। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया बी, 15 मीटर का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 44वां क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स ऑफ एन अमाउंट इज RS 40 एंड इन 2 ईयर्स द अमाउंट बिकम्स RS 1040, फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मींस आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है कि टाइम है 2 ईयर्स का, चलो मैं पहले टाइम लिख देता हूँ, टाइम है 2 ईयर्स का। फिर उसने बोला कि आपको जो SI मिलेगा वो मिलेगा 40 रुपीज, मैंने वो भी लिख दिया 40 रुपीज। अब कहता है जो आपका अमाउंट है वो हो जाएगा आपका ₹1040। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट, लेकिन रेट से पहले हमें एक चीज और निकालना पड़ेगा, वो है प्रिंसिपल। वो कैसे निकालेंगे, अगर आप अमाउंट में से SI को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास 1040, SI आपके पास 40, तो माइनस करो तो मेरा आंसर आएगा 1000 हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अब रेट निकालना है तो SI का पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है आपका P×R×T/100। SI आपके पास 40 है, प्रिंसिपल आपके पास 1000 हो गया, रेट आपको पता नहीं, टाइम आपके पास 2 है, अपॉन पे 100 है, 2 0 से 2 0 कट गया, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 40 अपॉन पे 10×2, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रेट हो गया आपका 2%। तो इसका आंसर क्या है, सी, 2% इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 45वां क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा अ वेंडर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस। मतलब क्वेश्चन फाइंड द लॉस परसेंटेज, मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि विक्रेता है, उसने अपने 36 संतरे बेचने पर उसको 4 संतरे की जो भी बिक्री मूल्य होगा उसका उसको लॉस हो गया। तो उसको हमें क्या निकालना है, हमें उसको निकालना है लॉस परसेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, इसको करने के लिए जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि हमें क्या निकालना है, हमारे उसके 4 का तो खराब हुए ना, उसको 4 का लॉस गया है, तो हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज निकालते हैं किसका,
36 का हमें निकालना है x परसेंट ऑफ 36 इज इक्वल टू 4। कुछ ऐसी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि x का जो भी परसेंटेज होगा 36 का वो 4 है, तो कितना परसेंट हुआ है, तो चेक करके देखते हैं। x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 इंटू में 100 अपॉन पे 36, 4 वन जा 4, 4 नाइन जा 36, 100 अपॉन 9, तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.11 कुछ इस तरीके से। तो इसका आंसर आपका सी 11.11 इसका आंसर है। यहाँ आपका सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन डी पार्ट। तो हमारे सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सीरीज नंबर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू अवर रूल। वन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, मिसिंग नंबर इज इंडिकेटेड बाय स्पेस, व्हाट शुड बी द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब आपको एक सीरीज दी गई है जिस स्पेस में बचा हुआ नंबर आपको भरना है, कैसे भरेंगे हम देखते हैं। 3 के बाद 8 मतलब गैप कितने का है, 5 का। 8 के बाद 15 मतलब गैप है 7 का। 15 के बाद 19 मतलब 9 का, यहाँ 11 का, यहाँ 13 का, तो यहाँ गैप बनेगा 15 का। 48 में 15 ऐड करो वो होता है आपका 48 प्लस में 15, तो वो बनेगा आपका 63। इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी 63 मतलब फोर्थ इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्री वर्ड्स आर गिवन, फर्स्ट टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन वन वे और अदर, बेसिक ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप, फाइंड द थर्ड नंबर मींस थर्ड वर्ड। क्या करेंगे, कह रहा है लाइफ अगर डेथ से रिलेटेड है तो होप किससे होगा, जीना मतलब मृत्यु, तो आशा मतलब निराशा मतलब डिसअपियर। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ थर्ड डिसअपियर इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा। इफ कोड ऑफ टुडे इज UQECZ देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ बिफोर। क्या बोलना चाह रहे हैं, टुडे का कोड दे रखा है आपको, बिफोर का निकालना है, तो कैसे करेंगे, बी ई एफ ओ आर ई। क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो बी का क्या दे रखा है उसने, बी का कुछ पहले रिलेशन पढ़ते हैं। उसने बोला टी का बनाया यू, तो अगर आप थोड़ा इसको ढंग से याद करो तो टी के बाद यू आता है, तो आपका टी का यू बन गया, तो इस तरह से यहाँ पे बी के बाद आता है सी, तो सी बन जाएगा उसका। अब यहाँ पे ओ का बनाया उसने क्यू, तो ओ का क्यू कैसे बना, यहाँ पे बीच में गैप छोड़ा गया है एम एन ओ पी क्यू, ओ के बाद पी का गैप छोड़ा है फिर क्यू बनाया, तो इसे आप ई के बाद एफ का गैप छोड़ो जी लिख दो, फिर एफ है कैसे बनाया, डी के बाद उसने सीधा लिखा है ई, तो हमें भी एफ के बाद दोबारा जी लिख देना है। क्या इसको मुझे आगे जाने की जरूरत है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार, क्या इसके जैसा ऑप्शन और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हमारा यहीं पे काम खत्म हो गया। आप चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को कंफर्मेशन कर सकते हैं, बट आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है, वैसे भी टाइम बहुत कम मिलता है हमें। तो हम इसका आंसर है, इसका आंसर हम कर सकते हैं जो थर्ड है सी इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये पहले ही मैच कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा। इफ पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज फादर ऑफ पी, एस इज ब्रदर ऑफ टी, टी इज ब्रदर ऑफ क्यू, देन हु इज एस अंकल। तो क्वेश्चन कहता है, मैं इसको थोड़ा चार्ट के रूप में समझाता हूँ। P जो है वो Q का भाई है, मतलब यहाँ पे ब्रदर लिख देता हूं मैं। फिर कहता है कि जो R है वो P के फादर है, मतलब P के फादर है तो उसका मतलब वो Q के भी फादर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे R हुए और ये क्या है, ये है आपके फादर। फिर क्या कहता है, फिर कहता है S इज द ब्रदर ऑफ T, मतलब एक S है वो T का ब्रदर है, तो इसको मैं एक बार स्किप करके मैं आगे बढ़ता हूँ। T इज डॉटर ऑफ Q, जो यहाँ पे T है वो आपकी Q की डॉटर है। चलो फिर क्या बोला, फिर इसने यहाँ पे एक लाइन बोली थी कि S जो है वो T का भाई है, तो यहाँ पे जो S है वो इसका ब्रदर है। हमसे क्या पूछा गया है कि आपको S का अंकल बताना है, मतलब इस S का अंकल कौन होगा। देखिए S की बहन है T, S के फादर है Q, तो फादर के भाई चाचा होते हैं मतलब अंकल होते हैं, तो S के चाचा कौन हुए, वो हुए आपके P, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है आपका P, P इसका आंसर हुआ, थर्ड इसका आंसर है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन। टर्निंग टू द वेस्ट आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टर्न 135 डिग्री इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज माई फेस नाउ। क्वेश्चन कहता है मैंने पश्चिम की ओर मुख करते हुए घड़ी की सुई में 90 डिग्री मुड़ा, फिर उसके बाद उसकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, अब मेरा मुख किस दिशा में है। तो एक काम करते हैं, पहले एक चार्ट बनाते हैं, क्या होता है वो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्वेश्चन बोलता है कि पहले मैंने वेस्ट की तरफ मुख किया और मैं 90 डिग्री घूमा। 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब होता है कि मैं यहां से इधर गया, वेस्ट की डायरेक्शन में गया मैं, तो मान लो मैं यहाँ पे था, वेस्ट पे था, तो मैं 90 डिग्री घूम के कहाँ पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा 90 डिग्री घूम के नॉर्थ पे, तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री घूम लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसी को बोलते हैं। फिर
यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैं दोबारा मुड़ा और 135 डिग्री मैंने पार किया। 135 डिग्री क्या होता है, यहां से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां से मैं इस डायरेक्शन में गया वापस, तो वो आया 135 डिग्री। 135 डिग्री कहां पे आएगा, कहीं बीच में आएगा, तो मैं कहां लाई करूंगा, मैं लाई करूंगा आपका साउथ वेस्ट में। देखिए यहां पे एक पॉइंट होता है 90 डिग्री का, पूरा होता है 180 का, इसने करा 135, तो 90 और यहां पे 45, तो 135 बनेगा, मतलब बीच में लाई करेगा, तो कहां पे लाई कर रहा हूं, मैं लाई कर रहा हूं साउथ वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका डी, साउथ वेस्ट इसका आंसर हो गया। तो यहां आपका इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी का पुणे का प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। अगर आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमने आपके लिए इससे पहले भी 2 प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर रखे हैं, आप उनको भी जाइए, उनको भी देखिए, आपकी काफी हेल्प होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।